तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को आज जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिर्फ एग्जाम पास करना ही बड़ी बात नहीं होती, ये बातें आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आ सकती है। इस वीडियो में लर्न किया हुआ नॉलेज तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। रिवर द गोदावरी है ना, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया। इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर है ना। इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स है ना। इस मैप को देखिए, इसमें आप जानते हैं ये हमारे वेस्टर्न घाट है ना। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में आपने स्टडी किया है तो ये वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट नासिक से निकलने वाली एक नदी है ना। तो यहां कहीं महाराष्ट्र में ये नासिक डिस्ट्रिक्ट है, वेस्टर्न घाट है हमारे यहाँ इस तरह से है ना, कुछ पहाड़ियां हैं जिनको वेस्टर्न घाट कहते हैं। तो इन स्लोप से ये नदी निकलती है एंड फ्लोज टूवर्ड ईस्ट और ईस्ट की ओर बहने वाली ये रिवर है। तो इस तरह से ये बहती हुई महाराष्ट्र से इधर तेलंगाना से होती हुई आंध्र प्रदेश से होती हुई ये जा गिरती है बे ऑफ बंगाल। तो जितनी भी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं वो सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और दूसरा अगर आप देखें जो वेस्टर्न वार्ड फ्लोइंग रिवर्स हैं जिनमें प्रमुख तौर पर नर्मदा और ताप्ती शामिल हैं, तो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स कहाँ मिलती हैं, किस सागर में मिलती हैं? इरावियन सी में। तो 50% ऑफ बेसिन एरिया ऑफ गोदावरी लाइज इन द महाराष्ट्र स्टेट। ये महाराष्ट्र स्टेट में है ना, तो यहाँ 50% एरिया में ये यहाँ बहती है। इसकी अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें, ट्रिब्यूटरीज है ना, तो इस तरह से आप देख रहे हैं गोदावरी ईस्ट वार्ड फ्लो करती है। तो हमारे राइट हैंड में ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट हैंड में इसकी होगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी नॉर्थ की ओर से मिलने वाली नदियां। तो इसमें ये प्रमुख तौर पर जो खास इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं है ना, ये है पूर्णा। तो इस तरह से यहाँ कहीं महाराष्ट्र में ही ये पूर्णा है ना। उसके बाद इस तरह से एक और लार्ज रिवर है जो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, टेन गंगा। तो एक और ट्रिब्यूटरी इसकी ये है वारधा है ना। उसके बाद एक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी वेन गंगा है ना। तो इस तरह से एक और ट्रिब्यूटरी है प्रणहिता है ना, और इसकी ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गए। ये सारी आप देख रहे हैं। अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें, यानी जो दक्षिण की ओर से साउथ की ओर से गोदावरी रिवर को ज्वाइन करती हैं, तो ये प्रमुख तौर पर एक रिवर है मंजरा है ना। तो ये कर्नाटक के थोड़े से हिस्से से ये फ्लो करती है रिवर मंजरा। तो इस तरह से मिल जाती है गोदावरी के
7 तेलंगाना से होती हुई। तो यहाँ तेलंगाना में इस रिवर पर यानी के मंजरा रिवर पर विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, यहाँ एक डैम है जिसका नाम है निजाम सागर, है ना। तो ये कहाँ है, ये आजकल, पहले ये आंध्र प्रदेश में था, आजकल ये तेलंगाना में है ना, तेलंगाना है ना। तो इस तरह से ये सारी की सारी इसकी ट्रिब्यूटीज हैं। अगर यहाँ आप मैप पे देखें तो ये नंबर 1 है ना, ये पूर्णा है ना, इस तरह से ये पेन गंगा है ना, इधर से ये वारदा है ना, ये वेन गंगा, इधर से आके ये यहाँ मिलती है ना, फिर मंजरा है, सारी ये परहिता है ना, ये जो है ये, और इधर से ये कर्नाटक से थोड़े से हिस्से से इस तरह से यहाँ आके मिलने वाली ये है मंजरा रिवर, है ना। और यहीं पर इस मंजरा पर तेलंगाना में है ये निजाम सागर डैम। तो इस तरह से इस रिवर की यानी गोदावरी की टोटल लेंथ है 1500 किलोमीटर, यानी नासिक इसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेकर जहां ये ड्रेन करती है बंगाल में, जहां तक इसकी टोटल लेंथ 1500 किलोमीटर। अगर हम बात करें इसके रिवर बेसिन की, मतलब एरिया ड्रेन बाई द रिवर गोदावरी, तो ये आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र में 50% हिस्से में ये महाराष्ट्र में बहती है, और इसीलिए इस रिवर को यानी गोदावरी को कहते हैं लाइफ लाइन ऑफ महाराष्ट्र, लाइफ लाइन ऑफ महाराष्ट्र, जैसे नर्मदा को लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश कहते हैं, इसी तरह से गोदावरी इज दी लाइफ लाइन ऑफ महाराष्ट्र। तो इस तरह से ये महाराष्ट्र है ना, ये तेलंगाना है, ये हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से भी इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी छत्तीसगढ़ से होके इसमें मिलती है ना। तो साथ में ये उड़ीसा है, उड़ीसा, उड़ीसा से भी कुछ स्मॉल स्ट्रीम जिसको ज्वाइन करती है ना, तो ये उड़ीसा को भी ड्रेन करती है, इसलिए ये पूरा इलाका इसका क्या कहलाता है, ड्रेनेज बेसिन। तो ड्रेनेज बेसिन हो गया इसका, कवर्स द एरिया ऑफ ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, है ना, साथ में मध्य प्रदेश लगता है। इसकी जो बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटीज हैं, है ना, प्रमुख तौर पर जो बड़ी बड़ी हैं, लॉन्गेस्ट उसमें ये पेन गंगा है ना, ये वेन गंगा है ना, और ये मंजरा। तो ये पेन गंगा है ना, या वेन गंगा जो है, ये वेन गंगा यही मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट का पानी भी इसी नदी के जरिए गोदावरी में आ मिलता है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश को भी, सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश को भी ये ड्रेन करती है। तो ये सारा इसका हो गया ड्रेनेज बेसिन ऑफ रिवर गोदावरी। दिस गोदावरी रिवर है ना, जिसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं, क्योंकि गंगा के बाद हिंदुस्तान की ये दूसरे नंबर की बड़ी नदी है ना। गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, है ना, जिस तरह से गंगा नॉर्दर्न पार्ट को ड्रेन करती है, बहुत बड़ा उसका ड्रेनेज बेसन है, इसी तरह से पेनिनसुला की ये सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि पेनिनसुला के मैक्सिमम हिस्से को ये ड्रेन करती है, इसलिए गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं, और इट इज द लाइफ लाइन ऑफ महाराष्ट्र। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस रिवर गोदावरी। उम्मीद है कि इससे आपको काफी मदद मिलेगी, आप इसका आप भरपूर फायदा उठाओगे। तो इस वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।